इधर से जो है चीज बनने की आवाज आ रही है, यहां से दिख रहा है खिड़की से, ये किचन की खिड़की है। मैंने यहाँ पे जो है घर तो बना लिया है, बट इस घर में लगाने के लिए अब कोई जो है पैसा नहीं बचा है। यहाँ पे जो है अपना बैलेंस सारा का सारा खत्म हो चुका है और अभी सिर्फ $518 मेरे पास पड़े हुए हैं। बट अच्छी बात यह कि मेरे पास पिक्स हैं जो काफ़ी बड़े हो चुके हैं और अब ये सेल करने के लिए रेडी हैं। और यहाँ पे जो है एक पिक तो मेरे को ये बाहर दिख रहा है और अंदर तीन पिक हो रहे हैं जो बड़े हैं। इनको मैं सेल करके कम से कम शायद $4,000 तक इकट्ठे कर ही सकता हूँ, और उस $4,000 में अपना जो है बेसिक सामान तो आ सकता है। मतलब अभी तो खाली मुझे वुड प्लैंक्स चाहिए अपने काऊ बांध का काम स्टार्ट करने के लिए। वैसे काऊ बांध के काम की इतनी जल्दी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस वाले काऊ बांध में अभी जो है चार काउस हो गई हैं। लास्ट वीडियो में तीन काउस थी, उसके बाद एक बेबी काऊ यहाँ पे और हो गई है ये वाली, तो यहाँ पे चार काउस हैं और अभी इसमें पाँच छः काउस और आराम से आ सकती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि $4,000 अभी और आएंगे तो उनसे जो है इनकी मिल्किंग का सामान ले आता हूँ, मतलब मिल्क कैन वगैरह, जिससे मैं इनका मिल्क भी सप्लाई कर सकूँ और उससे भी थोड़ा प्रॉफिट ले सकूँ। फिलहाल अभी तो जो है मुझे लग रहा है शाम होने वाली है, तो अभी फिलहाल इन पिक्स को तो सेल कर जाता हूँ रात होने से पहले, और उसके बाद अगर ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ तो जो है जनरल स्टोर पे जाके सामान भी ले आऊँगा मिल्किंग का, और अगर ज़्यादा अंधेरा हो गया तो फिर जो है सुबह जाके ले आएंगे। और यहाँ पे अपने घर में जो है रुकने की तो पूरी प्रॉपर जगह है ही, यहाँ मैंने बेड वगैरह बना दिए हैं, लाइट वगैरह लगा दी है, और वैसे यहाँ का ये वाला पोर्शन भी बंद करना है बट अभी प्लैंक्स ख़त्म हो गए इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। और ये वाले प्लैंक हैं इसमें जो है वैसे बंद तो हो सकता है नीचे का, एक मिनट यहाँ का मैं बंद कर ही देता हूँ, अगर बंद हो जाएगा तो एक वॉल तो नीचे की लगा ही देता हूँ। तो ये यहाँ पे इसमें देख लेते हैं कितने इसमें अभी चार पीस हैं, चार में एक वॉल तो बन ही जाएगी, तीन में बन जाती है, तो नीचे का तो कम से कम बंद हो गया। यहाँ पर जो है अब किसी जंगली जानवर का डर तो नहीं रहेगा, और बाकी यहाँ की खिड़की उड़की का काम रह रहा है, इसके लिए प्लैंक चाहिए। दो प्लैंक तो ऐसे यहाँ पड़े हुए हैं, इन्हें तो लगा ही दूँ, तो दो लग गए, तीन और चाहिए। और एक काम करता हूँ, पहले मैं गाड़ी लेके ना पिक्स को जो है यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ, और गाड़ी अपनी खड़ी हुई है उस दूसरे वाली पार्किंग में। एक बार यहाँ पे जो है ये बेबी काओ भी दिखा देता हूँ, बेबी काओ एक ही हुई थी, उसके बाद अगर एक और होगी हो तो पता नहीं। तो दो काओस तो यहाँ पर है, एक ये बेबी काओ है और एक और यहाँ पर बुल है येरा, तो चार हो गए। और वैसे इनका खाना ही मुझे रिफ़िल करना था, खाना फ़िलहाल तो अभी है, खाना ये काफ़ी कम खा रहे हैं अभी, तो जो है इसमें 20 kg बचा हुआ है एक। और वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा बैलेंस आ जाएगा तो यहाँ पे कुछ चिकन्स भी ले आऊँगा, क्योंकि ये भी अपना खाली पड़ा हुआ है, पूरा रेडी तो है ही। अभी जो है मुझे पहले ग्रीनरी चेक करनी है, ग्रीनरी है इनकी पीछे यहाँ पर, ग्रीनरी में भी 116 किलो है, तो इसको अभी रिफ़िल नहीं करता क्योंकि रिफ़िल करने पे भी $84 लग जाएंगे और पैसे थोड़े से बचाने हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मिल्किंग मशीन लेके आऊँगा, मिल्किंग मशीन से काम जल्दी हो जाएगा और मिल्क कैन वगैरह लानी पड़ेंगी। और अभी तो रात होने वाली थी, अभी ये जो है सूरज निकल आया, मतलब ये शाम हो गया है, इसका मतलब थोड़ी देर में रात होने वाली है। और गाड़ी मेरे को ले जानी पड़ेगी अपना छोटा हाथी, और छोटे हाथी में जो है दो पिक आ जाएंगे। और वो गाड़ी मैंने लास्ट टाइम, अच्छा वो सामने तो पार्क कर रखी है, यहीं पर पार्क हो रखी है। और इसमें अभी एक बैग रखा है हॉर्स के खाने का, इस बैग को तो यहाँ बाहर रख देता हूँ, हॉर्स का खाना तो अभी बच रहा है। और इसमें पहले मैं एक बार फ्यूल भी चेक कर लूँ, अभी हाफ फ्यूल है। इसका मेरे पास पीछे वाला अटैचमेंट भी है बट उसमें शायद पिक्स लोड नहीं हो पाएंगे, या मैं उसे अटैच करके देख ही लूँ। वो मैंने जो है यहाँ पे पार्क कर रखा है, इधर यहाँ पे भी नहीं है। एक तो मैंने जो है काफ़ी टाइम पहले यूज़ किया था, मेरे को ध्यान भी नहीं है मैंने कहाँ पार्क कर रखा है। अभी जो है एक काम करता हूँ, दो पिक्स को ले चलता हूँ, दो पिक्स से भी थोड़ा सा अमाउंट तो आ ही जाएगा। और अभी रात होने से पहले अगर मैंने दो पिक्स सेल कर दिए तो कम से कम मैं मिल्किंग का कुछ सामान तो ले ही आऊँगा, जिससे जो है काउस का अभी एक टाइम मिल्क तो निकाल ही लूँगा। इस वाले पिक को बाहर लेके आता हूँ, और ये इतना बड़ा हो चुका है, इस वाले गेट से निकलेगा ही नहीं। अबे कहाँ भाग रहा है, रुक जा, चल इसके। ओ ये इतना बड़ा हो गया, इस गाड़ी में आया कैसे, आधा भार लटका हुआ है। एक और पिक निकालना है यहाँ से बाहर, ये ज़्यादा यहाँ पे उछल रहा है, खाने के लिए इसके ऊपर ही चढ़ रहा है ट्रफ के ऊपर, तू ही चल पहले। और ये छोटे छोटे पिक्स तो काफ़ी सारे हो गए, कितने हैं, चार यहाँ पे हैं, ये जो चार थे ये बड़े हो चुके हैं, और उसके अलावा एक ये है, तो पिक्स तो काफ़ी सारे हो जाएंगे। और पिक्स जो है सबसे इजी तरीका होता है पैसा ट्रिपल करने का, तो यहाँ पे 25 दिन में लगते हैं पैसा डबल करने में। यहाँ पे पिक जो है 5-6 दिन में ही बड़ा हो जाता है, और $300 का आता है, $1,100-1,200 तक का बिक जाता है, कई बार 900-1,000 तक का भी बिकता है, डिपेंड करता है कि पिक कितना बड़ा है। तो यहाँ पे 5-6 दिन में पैसा ट्रिपल से भी ज़्यादा हो जाता है, और सबसे ईजी तरीका है इस गेम में पैसा कमाने का। और इसमें आ भी पाएगा, नहीं आ पाएगा, आ गया, दो तो आ जाते हैं, बढ़िया बाहर लटके हुए हैं, ठीक है वहीं तक तो लेके जाने पर रेस्टोरेंट तक। बस इन्हें लेके चलता हूँ रेस्टोरेंट पे, और रेस्टोरेंट पे इन्हें सेल कर दूंगा, और अभी तो देखना पड़ेगा रेस्टोरेंट जो है कितना रेट देता है। और ये एक पार्क हो रखा जो है अपना पीछे वाला ट्रेलर, मेरे को याद था मैं लेके तो आया था बट कहाँ पर पार्क किया था ये नहीं पता था। एक तो इस वाली गाड़ी की हैंडलिंग पहले इतनी बेकार है, और ये पिक लोड होने के बाद और इधर उधर झूल रही है। अभी तेज़ मोड़ के देखता हूँ, मुड़ तो गई,
हल्की सी लग रहा था उठ जाएगी, बट उठी नहीं। और अभी तो ये यहाँ पे ओपन है, और इन पिक्स को अगर मैं ऐसे ही सेल करूँ तो काफ़ी कम रेट मिलेगा, पर मैं दिखा देता हूँ। बहुत ही कम रेट मिलता है नॉर्मली सेल करने पे, नॉर्मली सेल करने पे तो इनको आ ही नहीं रहा यहाँ पे नॉर्मल सेल करने का। एक मिनट, इनका मुझे पॉक रेडी करना पड़ेगा, और अभी अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया तो मैं ज़रा इनका ना पॉक रेडी कर लूँ। और वैसे तो यहाँ पर जो है कि हिरण भी घूम रहा है, इसका भी ज़रा काम तमाम कर ही देता हूँ। गन रिलोड ही नहीं हो रखी थी, और दो दो हिरण है ये। अरे जल्दी गन रिलोड कर ले, तो ये राइफल इतनी स्लो स्लो रिलोड होती है ना। सही पोजीशन पे आ रखे हैं, इसका भी काम तमाम और इसका भी काम तमाम। चलो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, और बाकी इन पिक्स को भी जो है स्किन कर देता हूँ। एक बुलेट में ये वाला तो गया, ये वाला भी गया, ठीक है इनको भी स्किन कर लेता हूँ। ये जिंदा है, इसको एक बुलेट में कुछ नहीं हो। अबे रुक, कहाँ भागेगा यार, राइफल ले रखी है, कोई रिवॉल्वर थोड़ना है, उसमें चार पांच गोली मारनी पड़ती थी इनको। तो अभी ये पॉक सारा इधर उधर बिखर गया, एक काम करता हूँ थोड़ी सी इस गाड़ी को आगे करता हूँ, और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लाइट ऑन कर लेता हूँ। तो अभी इस पॉक को इधर ही इकट्ठा कर लेता हूँ, इसके ऊपर आएगा वही सेल हो पाएगा, ठीक है। अब देखता हूँ, काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा, $1560 मिल रहे हैं, और $60 मिल रहे हैं वाइल्ड मीट के, तो टोटल मिला के $1620 मिल रहा है। ये तो सेल कर दिया, और कुछ पीस ना बाहर पड़े रह गए होंगे, मेरे को लाइट ऑन करके एक बार देखना पड़ेगा। मुझे पक्का पता है यहाँ पे कुछ पीस ये रे बाहर की साइड रह गए हैं, ये भी सेल करता हूँ। गाड़ी को पहले थोड़ा आए करूँ, कुछ पीस इसके नीचे रह गए होंगे मतलब। हाँ एक पीस ये रहा, ये वाइल्ड मीट का पीस है, तो ये दो पीस वाइल्ड मीट के, और इधर पोक वोक का कोई पीस तो नहीं रहा, नहीं यहाँ पर तो नहीं रहा। इन दो को और सेल करता हूँ कि $30 मिलेंगे शायद। हाँ इनके $30 मिल रहे हैं, तो अब 2000 से ऊपर का बैलेंस हो गया। और अभी जनरल स्टोर तो बंद हो गया होगा, एक काम करता हूँ अपने फार्म पे वापस चलता हूँ, और बारिश भी होने लग गई तो अपने नए वाला घर तो है उसमें जाकर रुकता हूँ रात को अभी। उसके बाद सुबह जनरल स्टोर पे चल लूँगा, और बाकी दो पिक और ले आऊँगा यहाँ पर सेल करने के लिए। और रात को तो यहाँ के रास्ते समझ ही नहीं आते, इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है ना, वो तो मुझे यहाँ के रास्ते पूरे पूरे याद हो चुके हैं, इसलिए जो है रात को भी पता होता है कहाँ से जाना है। वैसे ये लाइट भी ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है, तो काफ़ी ब्राइट बट इसकी रेंज काफ़ी कम है। तो ये यहाँ पे गाड़ी को पार्क करता हूँ, इसकी लाइटें बंद कर दूँ और अंदर चलता हूँ। ये वाला गेट भी लगा देता हूँ, और अंदर की लाइटें भी ऑन करता हूँ, तो लाइटें मैंने लगा रखी हैं। और ये एक पोर्शन छत का यहाँ से रह गया, तो इधर से पानी अंदर आ रहा है, इसको भी जो है कंप्लीट करना है, तो थोड़े से वुड प्लैंक लाने पड़ेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। और ये अंदर की लाइट भी ऑन करता हूँ, और यहाँ पे तो जो है काफ़ी रोशनी होगी, और ये पुराने ज़माने की लाइट है, ये लालटेन के बराबर ही रोशनी दे रही है, उससे ज़्यादा रोशनी तो दे नहीं रही। हाँ लालटेन के बराबर ही दे रही है। और इधर की साइड तो मैंने अभी कोई लाइट लगाई नहीं है, यहाँ पे मुझे एक लाइट लगानी चाहिए थी। वैसे मैंने एक गेट के ऊपर लगाई हुई है, इसको तो ऑन कर ही दूँ रात को। अब ठीक है, यहाँ पे जो है गेट के पास भी रोशनी हो गई, और इधर भी रोशनी हो गई, और ये खिड़कियाँ तो बंद कर लूँ क्योंकि रात को बारिश हो रही है, कोई फ़ायदा नहीं है इन खिड़कियों को खुला रखने का। और अब अपने बेड पर चल के सो जाता हूँ, और सुबह फिर चलेंगे मिल्किंग का सामान लेने और बाकी दो पिक्स को सेल करने। तो सुबह तो हो गई है, अब उठने का टाइम हो गया है, और सुबह के 8 बजने वाले हैं, और ये लाइटें अपने आप बंद नहीं होती, इनको जो है मैन्युअली बंद करना पड़ता है। ऑटोमेटिक वाली लाइटें होनी चाहिए थी, रात को अपने आप जल जाएं, दिन में अपने आप बंद हो जाएं, उससे क्या है मैं काफ़ी सारी लाइटें लगा पाता, और हर किसी लाइट को मुझे मैनुअली जाके बंद नहीं करना पड़ता। और वैसे बारिश अभी हो ही रही है, बट ये बारिश तो मुझे लग रहा है काफ़ी लंबे टाइम तक होती रहेगी, मैं पिक्स को लेके चल ही रहता हूँ। और यहाँ पे इस वाले बोर्ड पे अभी एक गरीब की झोपड़ी मैंने लिख दिया है, क्योंकि इस गेम में अभी मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, अभी पैसे ही नहीं है, पिक सेल कर करके मुझे काम चलाना पड़ रहा है। और जब थोड़े से अमीर हो जाऊंगा इस वाले गेम में, तब इसका नाम चेंज करके यहाँ पे कुछ और रख देंगे, और सजेस्ट कर देना उस टाइम की, उस टाइम मैं क्या नाम रखूँ। बट अभी तो इसका नाम गरीब की झोपड़ी ही ठीक है। और इस वाली गाड़ी को वहाँ पर लगा के दो पिक को और सेल करके सामान ले आता हूँ, काउस का मिल्क भी निकाल लूँ, क्योंकि काउस दिन में दो बार मिल्क देती हैं, और कल रात का मिल्क तो वेस्ट चला ही गया क्योंकि मैं निकाला ही नहीं, मेरे पास सामान ही नहीं था। बट अभी जो है सुबह का मिल्क निकाल लेते हैं और फिर शाम का निकाल लेंगे। और यहाँ पे ये वाला पिक जो है ऊपर चढ़ रहा है, और ये पिक जो है वाटर ट्रफ और फूड ट्रफ के ऊपर ही चढ़ जाते हैं, और वैसे ये छोटे छोटे पिक रह जाएंगे, तो ये बड़े हो जाएंगे उसके बाद इन्हें भी सेल कर जाऊँगा। अब इधर से निकल, वहाँ गेट के पीछे कहाँ छुप रहा है, और ये वाला शायद भागने की तैयारी में है। जब ये पिक इतने बड़े जाते हैं, इनको सेल करना ही बेटर रहता है, क्योंकि ये इससे थोड़े से भी ज़्यादा बड़े हुए तो फिर ये जो है अपने आप ही मर जाते हैं, तो फिर काम बढ़ जाता है इनका पोक बना के इन्हें उठा के ले जाने का। और ये छोटे छोटे बाहर भाग रहे हैं, अबे बाहर कहाँ भाग रहे हो, अबे रुक जा, ओ निकल गया बाहर यार, आ इधर से आ। और ये पिक अगर सारे बाहर भागने लगे ना, तो इनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, ये इतनी अलग अलग जगह भागेंगे ना,
अभी एक ही बाहर निकला है, इसको तो मैं धीरे से पढ़ के ले आऊँगा, पहले इनको साइड होने दूँ। वैसे ना जो ये अंदर है ना, इनको यहीं बंद कर देता हूँ, इस वाले को पहले बाहर निकालता हूँ, तो कम से कम ये तो बाहर नहीं भागेंगे। अबे आजा भाई, रस्सी टूट रही है यार, ये खींच ही नहीं रहा, इतना बड़ा हो चुका है। इसको तो ये वाला गेट खोलना पड़ेगा। अबे फिर रस्सी टूट गई, आजा यार, मत जोर लगवा, बर्गर बनेगा किसी का तो बहुत जल्दी, रेस्टोरेंट पे जाने वाला है, बर्गर बनने वाला है। और दो निकल गए अब छोटे वाले ना, एक कहाँ गया, एक तो कहीं आगे ही निकल गया, एक तो ये जा रहा। अबे तू कहाँ भाग रहा, रुक, तेरे को तो रस्सी बांध के पकड़ लूँगा मैं। हाँ भाग, अब कहाँ भागेगा, ये नहीं तोड़ पाएगा रस्सी। और इसको इधर से ले आता हूँ, गेट खोल दूंगा फिर जल्दी से ना, आ जा फटाफट अंदर। और एक दूसरे वाला बाहर निकल के भाग गया, इसको देखूँ कहाँ गया ये, भाई ये तो गायब ही हो गया, ये रहा यहाँ पे। अबे इधर कहाँ जा रहा है, उधर चल, यहाँ खाना वाना कुछ नहीं है, मरू रह जाएगा। आ फटाफट अंदर, 2200 रुक गया, मैं अपना काम जल्दी से कर लेता हूँ, इनके चक्कर में टाइम वेस्ट हो रहा है। इन सारे पिक्स को तो कर दिया अंदर, और बाकी अभी और पिक्स तो है नहीं सेल करने के लिए। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से अपना छोटे वाला ट्रेलर भी जो है इस गाड़ी से अटैच कर लेता हूँ, उससे फ़ायदा ये होगा कि जो मुझे मिल्किंग का सामान लाना है वो मैं ईजिली ला पाऊँगा। चलो इसे अटैच कर लिया, और अब रेस्टोरेंट पे इन्हें सेल करके फिर सीधा जनरल स्टोर पे चलते हैं और सामान ले लेते हैं, और अपने काउस का मिल्क निकाल लेते हैं। यहाँ पहुँच तो गया, अब जरा इन्हें बर्गर के सामान में कन्वर्ट कर देता हूँ। और सामने शीशे में मेरी परछाई दिख रही है, और मुझे लगा कोई अंदर से ऐसे देख रहा है, ये ऐसा क्यों लग रहा है, इसने हुड लगा रखी है, कैसी परछाई बन रही है इसमें, हेलमेट लग रहा है, हुड लग रहा है, छोड़ो चलो इसे। और ये वाला पिक तो काफ़ी बड़ा हो चुका था, इसका तो कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, ये वाला नॉर्मल साइज़ का था। अभी सेल करके देख लेते हैं, अभी मिल रहे हैं $1,350, तो अभी कुछ पीस रह गया है इसका, मतलब उससे तो ज़्यादा ही मिलने चाहिए, कुछ क्या काफ़ी सारे पीस रह गए हैं, इस गाड़ी को आगे कर लूँ। 7-8 पीस हैं इनके भी जो है, $200 तो मिल जाने के चाहिए कम से कम, $210 मिलने हैं, तो ठीक मैंने गैस किया था कि $200 मिल जाएंगे, कम से कम 210 हो गए। अभी मैं फटाफट से ना जनरल स्टोर चल लूँ, क्योंकि बारिश फिर से आ सकती है, और काउस का मिल्किंग का सामान लेना आज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिन पे दिन ना डिले होती जा रही है, और अपने रेंज का काम जो है रुका पड़ा है। यहीं पार्क कर देता हूँ, और यहीं पर अपना सारा सामान आ जाएगा जो भी मैं परचेज करूँगा। अभी देखना पड़ेगा क्या परचेज़ करना है, वैसे काफ़ी सारा सामान है जो परचेज़ करना है। एक तो जो है सबसे पहले ये मिल्क कैंस ऐड करनी है, उसके बाद ये मिल्किंग मशीन ऐड करनी है, और मिल्किंग मशीन में जो है सिर्फ ये कैन लगती है, तो बकेट की ज़रूरत तो पड़ने वाली नहीं है। और ये जो है दो बैग ले लेता हूँ वीट के एक्स्ट्रा अपने हॉर्स के लिए, और वाटर टैंक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने फार्म पे जो है कुआ तो है ही, उससे पानी ले लूँगा। और ये बास्केट लेनी है कलेक्ट करने के लिए, और मुझे चिकन्स लेने हैं, और चिकन्स जो है दो ले लेता हूँ, दो रूस्टर ले लेता हूँ, तो ये इतना काफ़ी होगा। और उसके अलावा ये पैन वगैरह चाहिए चीज़ बनाने के लिए, वैसे भी मिल्क तो आ गई, मैं चीज़ बना ही लूँगा। एक ये पैन ले लेता हूँ, और अंदर जो है घर में स्टोव तो है ही, और ये मुझे वाइट मोल्ड और ब्लू मोल्ड लेने पड़ेंगे, तो ये दोनों ले लेता हूँ। तो अपना जो है मिल्किंग वाला सारा काम हो गया, और अभी यहाँ पे कैन जो है मैं दो कर लेता हूँ, वैसे कैन काफ़ी महंगी है, $135 की है, ले लेता हूँ दो, ठीक है, एक मिल्क मशीन में लगी रहेगी और एक ट्रांसपोर्टेशन के काम आ जाएगी। एग बास्केट हो गया, चिकन हो गया ये, और पैन, वाइट मोल्ड, ब्लू मोल्ड, तो सारा सामान ऑलमोस्ट हो गया है, और $2,111 का हुआ है, और अभी बैलेंस है $3,728, तो ईजीली आ जाएगा ये सारा सामान। और ये सामान यहाँ पे काफ़ी सारा आ गया है, और सबसे पहले तो मैं इन्हें लोड करूँ, क्योंकि ये भागने शुरू हो जाएंगे, इन्हें लोड करना पहले काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको बंद कर लूँ, वैसे तो ये बाहर नहीं निकलेंगे यहाँ पे रखने के बाद, बट फिर भी इसको बंद करना बेटर रहेगा पीछे से। और क्या हो गया ये, अबे तुम्हारे दिल मिलने शुरू हो गए यहाँ पे रखते ही, अबे वहाँ रेंज तक तो पहुँचने का सब्र कर लो। ये मुर्गा को ज़्यादा ही रंगीन है। अबे ये रंगीन है भाई, अपनी रेंज पर जाके देखियो क्या कर रहा है यहाँ पे। अबे जगह तो दे दूसरे वाले को, दूसरे वाले को जगह भी नहीं दे रहा। अबे दो मुर्गियाँ हैं भाई, क्या कर रहा है, दूसरे वाले को रखने की जगह दे, ऐसे मानेगा नहीं, इसको उठा के थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा। चलो दो मुर्गी आ गए, और दो मुर्गियाँ आ गई, और ये वाला सामान पीछे जो है ट्रेलर में कर लेता हूँ। और यहाँ पे बैग इन्होंने इधर ही रख दिया, और ये अपनी मिल्किंग मशीन है, इसे पहले रखता हूँ, ये थोड़ा कॉस्टली आइटम है, और ये क्या बताने की जरूरत है, मिल्किंग मशीन का तो मुझे पता ही है, मैंने यूज़ करी है,
और वैसे ये एग कलेक्ट करने वाली बास्केट में थोड़ा चेंज हुआ है, इसमें पहले ढक्कन नहीं आया करता था, अब इसमें ढक्कन भी है, ये ऊपर से बंद भी हो जाती है। और बारिश फिर से आनी शुरू हो गई, मेरे को लग ही रहा था कि बारिश फिर से आने वाली है। सामान तो लोड हो गया, एक ये मिल्किंग कैन रह गई, इसके लिए थोड़ी सी जगह बनाता हूँ इधर, ये बैग आगे खिसकाना पड़ेगा। और बारिश तो जो है काफ़ी ज़्यादा तेज शुरू हो गई है एकदम से, तो निकल लूँ फटाफट यहाँ से। ये बारिश के साथ साथ तूफान भी आ गया है। अभी फटाफट से इन मुर्गी मुर्गियों को यहाँ पे जो है अंदर छोड़ देता हूँ, और यहाँ से जो है काओ बांध में चलता हूँ सीधा इस गाड़ी को लेके, वहीं पे सारा सामान अनलोड कर लेता हूँ। और इनकी जो है ये बास्केट भी इसी के अंदर रख देता हूँ, यहीं पे चाहिए होगी। तो यहाँ मैंने चिकन कूप लगा रखा है, मुर्गे मुर्गियाँ इस तरह चले जाएंगे तो बारिश से बच जाएंगे। और इस गाड़ी को मोड़ के मैं काओ बांध के सामने ले चलूँ। यहाँ साइड में लगा के ना इस मिल्किंग मशीन को अंदर पहुँचा देता हूँ, और ये दोनों मिल्क कैन भी अंदर पहुँचाता हूँ। और ये वाला सामान तो जो है मुझे ये दोनों बैग तो हॉर्स के लिए चाहिए, इन्हें तो यहाँ पे रख देता हूँ अंदर, यहाँ भीगने से बच जाएंगे। वैसे मैं इस पूरी गाड़ी को ही अंदर कर देता हूँ ना, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्यों बाहर बारिश में छोड़ा। और ये वाली बिल्डिंग ना मैंने तोड़ी नहीं है, स्टार्टिंग में जो मिली है वैसे की वैसी है, ये पुरानी बिल्डिंग है और ये काफ़ी काम आ रही है। इसमें जो है अपनी गाड़ियाँ दोनों आराम से पार्क हो जाती हैं। और यहाँ पे मैंने जो है सो मशीन लगा रखी है ये वुड प्लैंक वगैरह तैयार करने के लिए। और इसको तोड़ के वैसे कोई फ़ायदा होता ही नहीं, क्योंकि कुछ मिलता तो है ही नहीं तोड़ के, इसलिए मैंने सोचा कि इसको ऐसा पार्किंग यूज़ कर लेते हैं। और इसके गेट वेट बंद नहीं होते, ये ज़मीन में फंसे पड़े हैं। और यहाँ पर जो है अपनी काउस भी बाहर घूम रही है, इन्हें ज़रा मैं अंदर पहुँचाऊँ। अरे भाई गेट से हट जा, इसे अंदर लेके चलूँ, बाहर घूम रही है बारिश में, आओ अंदर आओ सारे के सारे। अभी जो है ये अंदर की तरफ चली गई, और ये छोटे वाले बेबी का हो इसको भी जो है बाहर घूमने की पड़ रही है। ज़रा इन्हें पहले थोड़ा उस साइड जाने दूँ, उसके बाद मिल्किंग मशीन अंदर लेके आता हूँ, उनका मिल्क निकालता हूँ। अभी थोड़ा सा उस साइड चले तो गए हैं, ये तो बुल है, इसके तो सींग दिख रहे हैं इतने बड़े बड़े। और ये काओ है या बुल है, ये काओ है, तो सींग तो काओ के छोटे हैं, अच्छा बुल के बड़े हैं थोड़े से। और ये काओ है, तो दो काओ हो गई, एक बुल हो गया और एक छोटे ये बेबी काओ है या बुल है इसका भी पता नहीं। मिल्किंग मशीन अंदर उठा के ले आता हूँ, और एक कैन से काम चल जाएगा अभी। वैसे दोनों कैन अंदर ले आता हूँ, इन्हें अंदर ही रख दूँगा। मिल्किंग मशीन में यहाँ पे लगानी है, और इसकी नोज़ल ले लेता हूँ यहाँ से। ये तो बुल है, ये काओ है, बस लगाना होता है। इसने जो अपने आप मिल्क निकालना शुरू कर दिया, और ये तो काफ़ी अच्छा खासा मिल्क दे रही है। मेरे को लगा 7 लीटर देगी, 14 लीटर मिल्क दिया इसने, तो ठीक है। अब दूसरे वाले को भी देख लेता हूँ, इसका तो हो गया, इसका लगा देता हूँ। 14 लीटर देगी तो 28 लीटर मिल्क हो जाएगा। 28 लीटर में चार चीज़ तो भी बन ही जाएंगे, और चीज़ को जो है रेडी होने के लिए लगा दूंगा। 28 लीटर हो गया, ठीक है, सही है। तो इस रेंज पे पहली बार मिल्क निकाला गया है। और वैसे तो मैं जो है 3-4 दिन से मैंने काउस का ही छोड़ा हुआ है, पहले भी निकाल सकता था, वो सारा जो है मिल्क वेस्ट ही हो गया। बट अब सुबह शाम मिल्क निकालेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा, और फिर काफ़ी सारी काओ ले आऊँगा, तो बड़ा अपना मिल्क का काम स्टार्ट हो जाएगा। इसको लेके चलता हूँ अंदर, और वैसे इसको खुला ही रहने देता हूँ, अब तो जो है धूप निकल आई है, ये काओस बाहर घूम लेंगी। और अपने इस वाले घर में किचन यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये इंडक्शन कुकटॉप है, इस पर अपना पैन काम करेगा या नहीं करेगा वो भी देखना पड़ेगा। पैन कहाँ पे है, यहाँ पे रखा था इधर, ये रहा। इंडक्शन वाला सही है, इलेक्ट्रिसिटी से काम हो जाएगा। और इसमें अभी जो है मुझे वाइट मोल्ड चाहिए होगा, तभी चीज़ बना पाऊँगा। वाइट मोल्ड और ब्लू मोल्ड दोनों ही चाहिए होंगे। वैसे शायद ब्लू मोल्ड वाला चीज़ महंगा बिकता है, तो एक काम करता हूँ पहले ब्लू मोल्ड वाला ही बना लेता हूँ, जो महंगा बिकेगा वो ज़्यादा बेटर है। और वैसे तो इनमें अगर मैं एग ऐड कर दूँ तो इनके मुझे जो है एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। नॉर्मली एग को अगर मैं सेल करूँ $6 का बिकता है, और इसमें ऐड कर दूँ तो $10 एक्स्ट्रा मिलते हैं। एक दो एग तो वैसे पड़े होंगे, पहले वाले जो चिकन थे उन्होंने दिए होंगे, और इन्होंने भी दे दिए हैं एक एग। तो ये तो नीचे से निकलने की तैयारी कर रहा है। वैसे दो एग चाहिए, एक एग तो ये हो गया, चार एग चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि चार चीज़ बन जाएंगे, 7 लीटर में एक बन जाता है। एक एग तो मिल गया, एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अभी दो तो मिल गए, दो चीज़ तो रेडी कर लेता हूँ, फिर उठा के ले जाऊँगा। और पहले मिल्क इसमें ऐड करना है, और उसके बाद इसको ब्लू वाले को ऐड करता हूँ इसके अंदर। अभी कुकिंग स्टार्ट नहीं करनी, अभी एक एग भी ऐड करना है।
ये एग ऐड हो गया, अब बस कुकिंग स्टार्ट कर देनी है। और मैं इतने जो है दो एग्स और ढूंढ के लिया हूँ, मिल जाएंगे तो अपना ये चीज़ थोड़ा महंगा बिक जाएगा। ऐसे इसको बंद करके ना ये बास्केट लेके ढूंढ लेता हूँ, क्या मैं बार बार यहाँ पे आ रहा हूँ। एक तो ये रहा और एक और मिल जाए, ये रहा, यहाँ पे मिल गया। और इधर से जो है चीज़ बनने की आवाज़ आ रही है, यहाँ से दिख रहा है खिड़की से, ये किचन की खिड़की है। और ये वाला रेडी भी हो गया। अबे अंदर जाओ, अबे बाहर क्यों निकल रहे हो, इन्हें तो आसान है, इन्हें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती अंदर छोड़ने के लिए। उठा के सीधा यहीं से अंदर डाल दूंगा, ये वाले चीज़ को तो ले लेता हूँ। और इसको रेडी होने के लिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा मुझे, और इसको रेडी होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो फ़िलहाल यहाँ लगा के छोड़ देता हूँ। और बाहर फिर से बारिश शुरू हो गई है, हाँ फिर से बारिश शुरू हो गई, और मैंने काउस को बाहर छोड़ दिया। और ये बारिश तो मुझे लग रहा है अभी आज चलती रहेगी, क्योंकि मौसम ऐसा ही है। और अपनी काउस बाहर घूम रही है या अंदर है, गेट पे खड़ी है, वैसे इन्हें अंदर कर देता हूँ। ये बारिश में भीग के ना, इनका पता नहीं, ये रेस्ट इन पीस भी हो सकती हैं बारिश में भीग के, इसलिए जो है सेफ ये रहेगा कि वो गेट खुल गया, रुक जा, इसलिए सेफ ये रहेगा कि इन्हें मैं अंदर कर दूँ, क्योंकि अभी काउस का नुकसान झेलने का मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, बैलेंस बिल्कुल नहीं है। कैसे कैसे तो ये जो है काउस मैंने चार रेडी किए हैं, दो लेके आया था, दो बाद में हुई थी, तो चार हो गई। और एक मिनट, इसको बंद करके इसको ही पकड़ लेता हूँ। आजा अंदर आ, बाहर मत घूम, नुकसान हो जाएगा फालतू में मेरा। चलो ये चारों काउस होगी अंदर, इनको बंद कर देता हूँ। और इनका खाना और पानी का तो पूरा है इंतजाम, ऑटोमेटिक पानी तो आता रहता है। और ग्रीनरी में खाना मैंने फिल कर ही रखा है, और वैसे मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर थोड़ा बहुत कम हुआ होगा तो फिल कर देता हूँ, क्योंकि अभी जो है बारिश हो रही है, और रात को नहीं तो फिर से मुझे आके एक बार चेक करना पड़ेगा। 95 है, और इसको मैं पूरा फुल कर देता हूँ, 200 kg कर दिया, इसका $105 खर्चा आया। अब इससे ये है कि ये रात को खाली नहीं होगा, और दो तीन दिन तक भी खाली नहीं होगा, आराम से चल जाएगा, इतने ज़्यादा एनिमल्स हैं नहीं अभी मेरे पास। दूसरे वाला भी रेडी हो गया, अभी फ़िलहाल तो उसको नीचे रखूँ, अभी एक और तीसरे वाला रेडी होने के लिए लगा देता हूँ। इसमें जो है ये मोल्ड ऐड किया, और एक मोल्ड से जो है पांच चीज़ बन जाते हैं। इसमें से जो है एक एग लेके इसमें ऐड करता हूँ, इस वाले को अंदर रेडी होने के लगा देता हूँ। दो चीज़ हो गए, और पहले वाला 6% रेडी हुआ है, एक दिन तो पूरा लग ही जाता है इसको रेडी होने में। ये तीसरे वाला भी हो गया, इसको यहाँ रखता हूँ। अभी एक और चीज़ रह गया, इसको रेडी करके फिर इकट्ठा दोनों को अंदर रख दूँगा। और ये मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी गलती से, इसमें एग तो डला ही नहीं, कोई नहीं, चलो एक बिना एग वाला बना लेता हूँ। और इन मोल्ड्स को उठा के यहाँ पे ऊपर रख देता हूँ, ये महंगे आइटम है। और इसमें एक एग रह गया, इसको यहाँ साइड में रख देता हूँ। और फिलहाल ये कैन भी खाली है, तो इसको भी यहाँ रख दिया। वैसे यहाँ पे 6 की कैपेसिटी है, और अभी 6 की कैपेसिटी ठीक है, बाद में अगर और की ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास और काफ़ी सारे रैक्स हैं लगाने के लिए, ऐसे जो चीज़ को रेडी करने के लिए होते हैं। और 6 की नहीं, एक्चुअली 12 की है, एक रैक इधर भी है, ये गेट के पीछे आ रखा था तो मुझे दिखा ही नहीं, तो यहाँ 12 तो लग जाएंगे। और वैसे 12 ही लग पाएंगे, ऊपर तो नहीं लग पाता, यहाँ पे 6 का ही आ रहा था, तो ठीक है 12 तो अभी काफ़ी हैं, इतनी चीज़ बन पाएंगे। अभी काओ काफ़ी कम है, और बाहर तो अभी बारिश हो रही है, और अभी जो है बारिश में तो कुछ काम हो नहीं पाएगा। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ के इस वाले गेट को बंद करके अपने नए वाले घर में चलता हूँ, उसी के अंदर रुकूँगा, वो ज़्यादा बेटर है, वहाँ पर जो है बेड वेड भी सही लगे हुए हैं। और इसके कर लेता हूँ मैं गेट बंद, और इस वाले कमरे में चल के यहाँ पर रुकता हूँ। और फिलहाल जो है यहाँ से थोड़ा बहुत पानी तो आएगा, इसका भी जो है कुछ ना कुछ सोल्यूशन मैं कर दूंगा, ये मेरे पास बैलेंस बचा हुआ है। और अब तो चीज़ भी रेडी रहेंगे, तो बैलेंस तो अच्छा खासा आता रहेगा। बाकी आज के लिए फिर इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।